नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर और नालासोपारा विधायक क्षितिश ठाकुर का आम आदमी पार्टी के द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी वसई विधायक ने आज एक अनोखे तरीके से सत्ताधारियों का विरोध प्रदर्शन किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वसई के सनसिटी चुलना रोड पर इतना पानी भरा हुआ है कि वसई गांव के लोगों को इस रास्ते से आने जाना लगभग असंभव और जानलेवा हो चुका है। आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे जो आज वसई के दौरे पर थे, उन्होंने इस रोड की हालत का जायजा लिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने हितेंद्र ठाकुर और क्षितिश ठाकुर के नाम की नाव को पानी में बहाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से धनंजय शिंदे और उनकी टीम ये नाव डुबो रही है। धनंजय शिंदे ने इस मौके पर कहा कि यह पूरा इलाका एक कृत्रिम तालाब में बदल चुका है और इसके लिए सत्ताधारी और महानगर पालिका ही जिम्मेवार है। अंधाधुंध बिल्डिंग का निर्माण करके बहुजन विकास आघाड़ी ने वसई को इस हालत में पहुंचा दिया है। आम आदमी पार्टी वसई विरार के उपाध्यक्ष रवि भूषण ने कहा कि क्षितिश ठाकुर इस पूरे इलाके में बिल्डिंग बांधने का सपना देखते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि बीकेसी की तर्ज पर यहां भी एक औद्योगिक वसाहत बनाई जाए। लेकिन क्या इस तरह से डूबे हुए इस क्षेत्र में क्षितिश ठाकुर ये अपना सपना पूरा कर पाएंगे? साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने कई और सवाल उठाए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुमित्रा नंदन सिन्हा ने भी बहुजन विकास आघाड़ी की सोच को दूरदर्शी नहीं है ऐसा आरोप लगाते हुए कहा कि ये जनता इन्हें बिल्डर विकास आघाड़ी कहती है, यानी बहुजन विकास आघाड़ी को बिल्डर विकास आघाड़ी की संज्ञा दे दी। या तो हाल ही में पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी वसई विरार में काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी ने वसई विरार महानगर पालिका को आईना दिखाने और मनपा क्षेत्र में बढ़ रहे चुके गड्ढों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने सेल्फी विद गड्ढा कैंपेन भी चलाया हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में जाकर हर रोज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी गड्ढों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों पूर्व आम आदमी पार्टी ने वसई विरार में एक बैनर पोस्टर भी लगाया था जिस पर लिखा था कि वसई विरार में भी परिवर्तन संभव है। सीधा सीधा चैलेंज किया था ये, जिसकी भी चर्चाएं काफी हो रही है। हम अभी फिलहाल यहीं रुकते हैं। वीडियो में आगे आप सुनिए आम आदमी पार्टी पदाधिकारी को बयान। नमस्कार। जय महाराष्ट्र। आज वसई विरार महानगर पालिकेच्या क्षेत्रामध्ये आपल्या मागे वसई गाव दिसतंय आणि या साईडला सनसिटी आहे आणि जिथे शहरीकरण जास्त झालेलं आहे या सनसिटी आणि वसई गावाला जोडणारा हा सनसिटी घास रस्ता आहे। आपण बघितलं असेल की इथे लोकांच्या गाड्यांच्या रांगा उभ्या राहिलेल्या आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इथे पाण्याचा एक मोठा असा तलाव तयार झालेला आहे। हा कृत्रिम तलाव आहे आणि याचं श्रेय हे पूर्णपणे वसई विरार महानगरपालिकेला जातं। आपण बघितलं असेल माझ्या आता दोन होडे आहेत, हे स्थानिक आमदार आहेत दोन्ही इकडचे, एका कुटुंबातले ठाकूर, हे गेले वर्षानुवर्ष अनेक दशकं त्यांची वसई विरारमध्ये सत्ता आहे, परंतु जर पावसाळ्यामध्ये वसई विरार वसई गावामध्ये जाणाऱ्या लोकांची बघा अवस्था कशी झालेली आहे, पाण्याचा निचरा व्हावा म्हणून त्यांनी दोन ठिकाणी अशा पद्धतीचे बांधकाम केलेलं आहे, परंतु साधा कॉमन सेन्स पण नाही आहे की रस्ता जो आहे तो रस्ता वरती असायला पाहिजे पण रस्ता खाली आणि जिकडनं पाणी जायला पाहिजे ती जागा वरती, म्हणजे कदाचित चंद्रावरनं इंजिनियर्सला बोलवलं असेल हा रस्ता बांधताना अशी एक आम्हाला शंका मनात उत्पन्न होते। तर या निमित्ताने वसईमध्ये आपल्याला माहिती आहे की टँकर माफियांचं मोठ्या प्रमाणात जाळं आहे, टँकर लॉबी मोठ्या प्रमाणात आहे, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये प्यायला पाणी मिळत नाही। आपण पलीकडे गेलो तर मोठमोठ्या वस्त्या बनवलेल्या आहेत, तिथे लोकांना प्यायला पाणी मिळत नाही, फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या लोकांना विकत पाणी घ्यावं लागतं आणि पावसाळ्यामध्ये सगळीकडे पाणीच पाणी बनवलेलं आहे आणि याचं पूर्ण श्रेय वसई विरार महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि राजकीयदृष्ट्या वसई विरारवरती ज्यांचं एवढी वर्ष सत्ता आहे त्यांना जातं आणि म्हणून आम्ही या काळ्या होड्या बनवलेल्या आहेत। त्यांच्या नावाच्या दोन आमदार आहेत, हितेंद्र ठाकूर आणि क्षितिश ठाकूर, ह्या पाण्यामध्ये आपण ह्या होड्यांना सोडणार आहोत आणि लोकांना याच्यातनं संदेश देतो आहे की येणाऱ्या काळामध्ये ह्या सत्ताधाऱ्यांना
आपल्याला राजकीय दृष्ट्या यांना पाण्यात बुडवावं लागेल आणि आम आदमी पक्षासारख्या प्रामाणिक लोकांच्या पक्षाला सत्तेमध्ये आणावं लागेल. इन्कलाब भारत माता की भारत माता की. पीकेसी बोलते हैं बनाएंगे सन सिटी को, मगर देखिए पीकेसी की जगह क्या बना रहे हैं. ये हितेंद्र ठाकुर जी, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं के नाम चुनाव भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.